नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो हमारा देखिए सर, पिछले ये एक वीडियो हमने पिछला जो बनाया था लॉन्गेविटी, जजमेंट ऑफ लॉन्गेविटी पार्ट वन पे, और आज उसका हमने दूसरा प्रकरण जो है उसका अंग्रेजी में जजमेंट ऑफ लॉन्गेविटी पार्ट टू करके, और नवजात शिशु की लॉन्गेविटी कैसे जज की जाती है उस पर अभी थोड़ी देर पहले हमने अंग्रेजी में एक वीडियो बनाया है, उसी का मैं अभी अनुवाद करके आपके हिंदी में मैं उसको अभी ये लॉन्च कर रहा हूँ। तो आयु निर्णय टॉपिक है, नवजात शिशु का की आयु निर्णय हमें कैसे करनी है वो आज हम देखेंगे। ये एक लाइव केस है जिस जो कि हमने प्रेडिक्शन किया था, इस बच्चे का जन्म जो है 10 जनवरी, हाँ इस बच्चे का जन्म हुआ था, सॉरी 2 जनवरी 1997 को इस बच्चे का जन्म हुआ था। ये एक हमारे मित्र हैं, उनका उनका ये बेटा था। तो चूंकि उसकी उनको ऐसा लग रहा था कि तबीयत थोड़ी सी उसकी ठीक नहीं थी जब उसकी पैदाइश हुई थी, तो उन्होंने हमें ये उसका चार्ट दिया था कि आप इसकी जजमेंट करिए। तो हमने जजमेंट करके उनको इसका बताया था। तो और जैसा कि पार्ट वन में हमने पार्ट वन ऑफ लॉन्गेविटी जो हमने लॉन्च किया था उसमें सिर्फ हमने प्रिंसिपल्स जो हैं कृष्णमूर्ति पद्धति में आयु निर्णय, हम जजमेंट कैसे करते हैं कि आयु कितनी लंबी है, छोटी है, मध्य आयु है, पूर्ण आयु है, इसकी हम जजमेंट करते हैं, उसके प्रिंसिपल्स पर हमने बात की थी। उस पर खाली हमने रूल्स डिस्कस किए थे बिना किसी लाइव एग्जाम्पल के। और आज जो मैं आपके सामने ये चार्ट पेश कर रहा हूँ ये एक लाइव एग्जाम्पल है जिसमें एक बच्चे की आयु हमने का जजमेंट किया था। और चूंकि ये हिंदी में वीडियो है तो अंग्रेजी वाले वीडियो में हमने साउथ इंडियन चार्ट प्रेजेंट किया था, और अभी जो मैं ये कर रहा हूँ आपके सामने ये उत्तर भारतीय नॉर्थ इंडियन स्टाइल का चार्ट है। और जो सॉफ्टवेयर मैं यूज करता हूँ उसमें देखिए ये यूनिक चीज ये है कि इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे, इस कर्सर को आप फॉलो कीजिए, तो ये देखिए कुंभ लग्न है, तो यहाँ पर 11 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ फिर 12 है, 1 है, मेष है, इस तरह से लिया। और यूनिक ये है कि यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है ये कौन सा भाव है, जैसे कि नॉर्थ इंडियन पद्धति में हम जानते हैं इसको हम लोग लग्न फर्स्ट भाव, पहला भाव कहते हैं, फर्स्ट हाउस लग्न है। तो ये दोनों चीजें यहाँ लिखी हुई है जस्ट इन केस किसी को डिफिकल्टी हो इसको फॉलो करने में। तो बीच में ये राशि का नंबर दिया हुआ है, तो एज एस्ट्रोलॉजर्स हम पता ही है कि 1 से 12 तक एक मेष होती है और 12 जो है मीन होती है। तो इसमें दोनों चीज आपको जो है आपके सहूलियत के लिए इसमें दी गई है। और एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, कृष्णमूर्ति पद्धति जिन एस्ट्रोलॉजर्स को पता है वो इसको अगर फॉलो करेंगे तो देखिए ये जो है ये 8th, ये 8वां भाव है, ठीक है ना, ये रोमन में 8 लिखा हुआ है और इसकी डिग्री है 24 डिग्री। देखिए ये कर्सक को आप देखिए इसमें, लेकिन जो ये ग्रह हैं मंगल है, राहु है, चंद्रमा है, इसमें 3 ग्रह है, ये 24 डिग्री से कम के लॉन्गिट्यूड पर है। तो ये जो है कृष्णमूर्ति पद्धति में ये 7वें भाव में माने जाते हैं, ठीक है। वैसे हम अभी डिस्कशन के दौर में इसको हम देखेंगे और भी हम इसमें डिस्कशन करेंगे, वो वैसे बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कृष्णमूर्ति पद्धति में आ जाता है, वो जब हम ट्यूटोरियल क्लासेस करेंगे, जब हम कृष्णमूर्ति पद्धति सिखाने के लिए जो हमने प्लान किया हुआ है कि वीडियो में निकालूंगा उसमें और इसको डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। बहरहाल कुंभ लग्न इस जातक की, इस बच्चे की पैदाइश कुंभ लग्न में हुई। कुंभ लग्न स्थिर लग्न है, तो स्थिर लग्न में जैसा हम लोग सब जानते हैं स्थिर लग्न के लिए बाधक स्थान जो है वो नवम भाव को हम लोग मानते हैं। नवम भाव और उससे कनेक्टेड जो प्लैनेट्स है वो बाधक प्लैनेट्स होते हैं, बाधक ग्रह होते हैं। तो और नियम आपको सब पता है, आप लोगों को पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था लॉन्गेविटी या आयु के जजमेंट करने के लिए हम प्रथम भाव लग्न, लग्न के सब लॉर्ड को देखते हैं। लग्न के सब लॉर्ड का कनेक्शंस जो है किन किन भावों से है, जैसा कि शॉर्ट में मैं फिर से बता दूं, लग्न के सब लॉर्ड का कनेक्शन अगर द्वितीय भाव, सप्तम भाव जो कि मारक स्थान कहे जाते हैं, मारक भाव कहे जाते हैं, और बाधक स्थान से अगर होता है तो आयु का निर्णय हम कहते हैं कि
कम है, आयु कम है, अगर इसी उपनक्षत्र या सबलॉर्ड का कनेक्शन लाइफ गिविंग हाउसेस फर्स्ट थर्ड और एट्थ से अगर कनेक्शन नहीं होता है, या कह लें कि फर्स्ट थर्ड और एट्थ लाइफ गिविंग हाउसेस होते हैं, ये अगर कमजोर है तो फिर आयु कम होती है। और अगर प्रथम भाव का सबलॉर्ड जो है उसके कनेक्शंस मारत अथवा बाधक भाव से नहीं होता है और सिर्फ लाइफ गिविंग हाउसेस से होता है, तो हम आयु को लंबी आयु मान करके जजमेंट करते हैं। तो अब आइए हम देखते हैं इस पर्टिकुलर चार्ट में क्या है, हम कैसे इसकी जजमेंट करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कुंभ लग्न की कुंडली है, और ये देखिए यहाँ पर, ये कर्सर को फॉलो कीजिएगा, ये कस्पल पोजिशंस दिए हुए हैं। तो यहाँ देखिए कस्प नंबर वन यानी कि लग्न, लग्न का सबलॉर्ड कौन है, लग्न का सबलॉर्ड ये देखिए मरकरी है, बुध, बुध लग्न का सबलॉर्ड है। अब हमें देखना है आयु निर्णय में कि बुध के कृष्णमूर्ति पद्धति के रूल्स के हिसाब से, प्रिंसिपल्स के हिसाब से, बुध के कहाँ कहाँ कैसे कैसे कनेक्शंस हैं। ठीक है, तो बुध को अगर आप देखें तो बुध यहाँ पर देखिए ये ऊपर प्लेनेटरी पोजिशंस हैं, बुध यानी कि मरकरी, मरकरी जो है शुक्र, शुक्र के नक्षत्र में मरकरी बैठा हुआ है, बुध बैठा हुआ है। और शुक्र कहाँ पर है, शुक्र देखिए कहाँ है, शुक्र है दशम भाव में। तो सबसे पहले सब लॉर्ड जो है असेंडेंट का, लग्न का, मरकरी जो है वो दशम भाव का फल देगा, क्योंकि उसका नक्षत्र स्वामी दशम भाव में बैठा हुआ है। और इस नक्षत्र स्वामी शुक्र जो है देखिए ये नवे भाव का, ये लिब्रा है, तुला, लिब्रा का स्वामी है। तो बुध का कनेक्शन जो है, बुध एज सब लॉर्ड ऑफ द फर्स्ट हाउस का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नवम भाव से और दशम भाव से हो जाता है। नवम भाव जैसा कि हम यहाँ हमने चर्चा की अभी, नवम भाव स्थिर लग्न के लिए जो है बाधक स्थान माना जाता है। तो बुध का कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जो है नवम भाव से है और दशम भाव से भी है, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। फॉर द पर्पस ऑफ लॉन्गेविटी, आयु निर्णय, जहाँ आयु निर्णय के लिए दशम भाव भी हम अच्छा भाव नहीं मानते हैं। तो ये बुध एज सब लॉर्ड मतलब आयु के लिए अच्छा, अभी फिलहाल जितना हमने डिस्कस किया उसके लिए अच्छा नहीं है। अब आगे आइए, बुध को हम देखते हैं। बुध खुद जो है आप देखिए ये अष्टम भाव है, अष्टम आठवां भाव है, और ये कौन सी राशि है, ये है वर्गो, कन्या राशि। बुध कन्या राशि अष्टम भाव का स्वामी भी है, ये भी जो है अच्छा भाव नहीं माना जाता है। और दूसरा फिर हम क्या देखते हैं, बुध बैठे कहाँ है, बुध देखिए बुध बैठे कहाँ है, बुध बैठे हैं यहाँ पर, बुध बैठे हुए हैं किसके साथ बैठे हुए हैं, बुध सूर्य के साथ बैठे हुए हैं, सूर्य के साथ बुध बैठे हुए हैं। और बुध 17 डिग्री का है और सूर्य जो है 18 डिग्री का है। सूर्य किसके नक्षत्र, तो बुध जो है फिर सूर्य का भी फल देगा, क्योंकि रैप्ड कंजम्पशन, बहुत नजदीकी जो है सूर्य और बुध के बीच की नजदीकी जो है सिर्फ 1 डिग्री का, 1 डिग्री से भी कम का फासला है। तो सूर्य किसका फल देगा, अब हम देखें सूर्य, सूर्य जो है किसके नक्षत्र में है, सूर्य अगर आप यहाँ देखेंगे, सूर्य सूर्य देखिए यहाँ पर शुक्र के नक्षत्र में है। शुक्र हमने ऑलरेडी देख लिया कि हमने देखा हुआ है शुक्र नवम भाव का स्वामी है, दशम भाव में बैठा है। तो सूर्य भी जो है वो नवम और दशम का भाव देंगे और का फल देंगे सॉरी, और इसीलिए बुध बुध भी सूर्य का फल देगा। तो अगेन फिर से हम देखते हैं कि नवम और दशम भाव का कनेक्शन बुध के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, और फिर और अगर हम देखें आप, तो सूर्य को अगर और देखें, सूर्य की जो हम बात कर रहे हैं, सूर्य सप्तम भाव का स्वामी है, ये देखिए सप्तम भाव लियो, सिंह यहाँ पर आप देखें, इसका स्वामी जो है सूर्य है। तो सेवेंथ का कनेक्शन जो है, सेवेंथ हाउस का कनेक्शन भी मरकरी के बुध के साथ जो है बहुत स्ट्रांगली एस्टैब्लिश होता है। तो सप्तम भाव, नवम भाव, दशम भाव का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद दी असेंडेंट सब लॉर्ड एस्टैब्लिश हो रहा है, जो कि आयु के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। अब हम देखें कि
और इस चीज इस कुंडली में आप एक चीज देखेंगे कि देखिए राहु राहु जो है कहाँ बैठे हुए हैं, राहु कहाँ बैठे हुए हैं, राहु बैठे हुए हैं कहाँ बैठे हैं, ये किस किस राशि में राहु बैठे हुए हैं, कन्या में बैठे हैं। कन्या किसकी राशि है, बुध की राशि है। तो राहु राहु का सारा इम्पैक्ट जो है, चूंकि राहु कन्या राशि में बैठा है, राहु का सारा असर भी बुध के ऊपर आता है। तो बुध एज सब लॉर्ड राहु का भी जो है, राहु का भी फल देगा। तो राहु अब हम देखें राहु की क्या पोजीशन है, राहु बैठे कहाँ है, राहु इज इन सेवेंथ सप्तम भाव में, मारक भाव में है। ठीक है, राहु सप्तम भाव मारक भाव में है। और राहु जो है, राहु देखिए इसमें अगर हम देखें तो राहु ये देखिए राहु जो है, राहु राहु ये हम देखें अगर राहु जो है द्वितीय भाव के सब लॉर्ड भी हैं। द्वितीय भाव क्या होता है, मारक भाव होता है। राहु जो है फिर से अगर हम देखें यहाँ पर तो राहु जो है अष्टम भाव का भी जो है सब लॉर्ड है। तो द्वितीय भाव अष्टम भाव और क्या है और क्यों, ठीक है राहु तो सब लॉर्ड हो गया द्वितीय भाव का जो कि मारक भाव है, लेकिन सब लॉर्ड हो जाने से क्या द्वितीय भाव का फल देगा, वैसे नॉर्मल कोर्स में तो नहीं स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेंट माना जाता है। लेकिन कृष्णमूर्ति पद्धति में एक नियम ये भी है कि अगर किसी जो है भाव के सब लॉर्ड, जैसे यहाँ पर राहु की बात हम कर रहे हैं, द्वितीय भाव के सब लॉर्ड उपनक्षत्र राहु, राहु के नक्षत्र में अगर कोई प्लैनेट अगर कोई ग्रह नहीं है, जैसे यहाँ पर हम देखें ये स्टार लॉर्ड की कॉलम देखिए कर्सर को आप, यहाँ राहु कहीं नहीं आते हैं। तो राहु कहीं नहीं आते हैं इसका मतलब राहु के नक्षत्र में कोई भी जो है प्लैनेट नहीं बैठा हुआ है, कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है। तो इसीलिए राहु बहुत मजबूती से दूसरे कस्ब का दूसरे भाव का और जहां का वो सब लॉर्ड है आठवें भाव का फल बहुत मजबूती से देगा। तो चूंकि हम चर्चा कर चुके कि बुध के ऊपर जो है राहु का असर रहेगा, तो बुध जो देखिए चारों तरफ से हम देखें बुध बुध जो है इस बच्चे को एज अ मारक एज अ बाधक इस बच्चे को चारों तरफ से बुरी तरीके से घेर लिया है। कहीं भी जो है कहीं भी किसी भी बचने का हमें कुछ उपाय नजर नहीं आ रहा है। अच्छा अब हम देखते हैं, ये तो हमने बात किया बुध एज सब लॉर्ड ऑफ द फर्स्ट हाउस लग्न के सब लॉर्ड स्टेलर लेवल पे नक्षत्र लेवल पे और राहु के साथ कंजंक्शन सूर्य के साथ कंजंक्शन होने से जो है राहु कैसा असर देगा, राहु का क्या इम्पैक्ट होगा इस कुंडली के ऊपर। लेकिन कृष्णमूर्ति पद्धति में आपको एक और नियम से आप लोग अवगत होंगे कि अल्टीमेटली जो है जो फाइनल जो निर्णय होता है किसी भी ग्रह का, ग्रह अपना रिजल्ट देगा या कस्प अपना रिजल्ट देगा उसके उपनक्षत्र पे। तो अब हम चर्चा करते हैं थोड़ी देर के लिए कि बुध जो है बुध का सब लॉर्ड कौन है। बुध का सब लॉर्ड जो है देखिए बुध का सब लॉर्ड इस टेबल पे अगर हम आ जाए यहाँ तो बुध का देखिए सब लॉर्ड जो है मंगल है। ठीक है बुध का, तो बुध जो हमें जो हमने देख लिया नक्षत्र लेवल पे बुध चारों तरफ से इस बच्चे की जिंदगी को इस बच्चे की आयु को घेर रहा है और उसमें फाइनल डेथ ब्लो जो बोलते हैं कि अगर 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 बुध का उपनक्षत्र सब लॉर्ड मंगल जो है अगर वो डेथ गिविंग हाउसेस से कनेक्टेड स्ट्रांगली नहीं है तो कुछ बचाव हो सकता है। लेकिन अब हम देखें मंगल है कहाँ, अब आप देखिए मंगल इज इन दी सेवेंथ हाउस, ये सातवां भाव है, इससे आप लोग मत कंफ्यूज कीजिएगा। ये राशि है ये सेवेंथ हाउस, जैसा कि हमने शुरू में चर्चा में कहा यहाँ इस डिग्री के ऊपर जितने रहेंगे 24 डिग्री अष्टम भाव पर 24 डिग्री से कम जितने भी ये ग्रह हैं ये सब सातवें में है। तो मंगल कहाँ है, मंगल मार्स इज इन दी सेवेंथ हाउस। सप्तम भाव क्या है, सप्तम भाव मारक स्थान है। तो अब हम क्या इसमें क्या अब क्या गुंजाइश बचती है, बुध कहाँ से बच्चे बच्चे की बच्चे का जो है बच्चे को जीवन देगा या उसका जीवन लेगा इसका निर्णय अब आप खुद देख सकते हैं कि ये ऐसी कुंडलियां जो हैं ये
जिसको हम कहते हैं बालरिष्ट योग, बालरिष्ट योग से जो है ग्रसित जो है होती हैं, और इसमें आयु जो है बहुत बहुत कम आयु होती है। और अब इसको और रीइन्फोर्स देखिए क्या करता है कि मंगल, अगर हम आप देखेंगे मंगल, मंगल के, मंगल यहाँ सात सप्तम भाव में है, और मंगल के नक्षत्र में क्या कोई ग्रह है? मंगल के नक्षत्र में इस कॉलम को देखिए आप, ये स्टार लॉर्ड कॉलम प्लैनेटरी पोजीशंस में, यहाँ अगर कोई मंगल का नाम आता है तो कोई ना कोई मंगल, कोई ना कोई प्लैनेट, कोई ना कोई ग्रह जो है उसके नक्षत्र में है, लेकिन यहाँ मंगल है नहीं, यानी कि मंगल के भी नक्षत्र में कोई भी ग्रह नहीं है, कोई भी ग्रह नहीं है। तो मंगल बहुत मजबूती से जो है सेवेंथ भाव का, सप्तम भाव का हल देगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, अभी हम बात कर रहे हैं असेंडेंट सब लॉर्ड बुध की ही बात कर रहे हैं, ये सारी चर्चाएं जो है बुध की ही बात हो रही। तो ये बुध नक्षत्र लेवल से और उप नक्षत्र लेवल से चारों तरफ से जो है सिर्फ बाधक और मारक स्थानों को और ग्रहों को सिग्निफाई कर रहा है। तो हम कह सकते हैं बच्चे की जिंदगी जो है बहुत ज्यादा लंबी उम्र बच्चे को नहीं प्राप्त हो सकती है। सारा अब हमने बुध देखी, अब हमें देखना है, हमने शुरू में बात किया थी लाइफ गिविंग हाउसेस जो होते हैं, पहला पहला भाव, तीसरा भाव और आठवां भाव, ये तीन तीन भाव अगर मजबूत होते हैं तो आयु जो है, आयु को प्रोटेक्शन मिलता है। तो अब हम थर्ड हाउस की बात करेंगे, ठीक है? तो तीसरे हाउस को आयु, किसी भी कस्प की स्ट्रेंथ को हम, उसकी स्ट्रेंथ को हम कैसे देखते हैं? स्ट्रेंथ यानी कि उस वो भाव कितना मजबूत है या कमजोर है, ये उसके उप नक्षत्र से देखा जाता है। देखिए ये थर्ड हाउस है कस्प थ्री, उसका उप नक्षत्र कौन है? उप नक्षत्र है केतु। अब आप केतु को देखिए, आप केतु जो है, केतु इस कुंडली में अगर आप देखेंगे तो ये नवम नाइन्थ कस्प का भी, नौवे भाव का भी सब लॉर्ड है, ठीक है? तो क्या फिर अभी हमने उस फॉर्मूले पर हम आ जाते हैं कि क्या तीसरा और नवम का केतु जो है अगर सब लॉर्ड है तो तीसरे और नौवे को वो सिग्निफाई करता है क्या? ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर केतु के खुद के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है, देखिए फिर आप नक्षत्र वाले, ये स्टार लॉर्ड वाले कॉलम, स्टार लॉर्ड मतलब नक्षत्र का लॉर्ड, स्टार लॉर्ड वाले कॉलम पे आ जाइए, कर्सर को देखिए, यहाँ कहीं केतु का नाम नहीं आ रहा है, केतु का नाम नहीं आ रहा है, इसका मतलब केतु के भी जो है ना इसमें कहीं भी कोई कोई ग्रह नहीं है। तो केतु इज अ वेरी स्ट्रांग सिग्निफिकेटर ऑफ द थर्ड हाउस बट ऑल्सो द नाइन्थ हाउस, बाधक स्थान का भी वो स्वामी है। तो थर्ड हाउस भी कमजोर हो जाता है। अब आठवें हाउस को हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है? आठवें भाव का स्वामी राहु है, देखिए आठवें भाव का ये स्वामी राहु है, राहु पर हम पूरी चर्चा कर चुके हैं, पहले भाव पे, पहले भाव की हम चर्चा कर चुके हैं। तीनों के सब लॉर्ड जो है मारक, मारक और बाधक ग्रहों से और स्थानों से ग्रसित है, इसीलिए बच्चे की, बच्चे बच्चे की जब पैदाइश हुई उस समय बालरिष्ट योग से ये बच्चा घिरा हुआ था। लेकिन सिर्फ जो है इस डिस्कशन से हम इस निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते हैं कि बच्चे की क्या जिंदगी है। अब हमने ये तो देख लिया कि बच्चों की, बच्चे की आयु छोटी है, लेकिन बच्चे की आयु छोटी है ये देख बच्चा, इसका मतलब ये है कि बच्चे की मृत्यु जो है, मतलब ये जल्दी ही हो जाएगी पैदाइश के बाद, क्योंकि कहीं भी कोई बचने का, जिसको सिल्वर लाइनिंग अंग्रेजी में कहते हैं, सोलेस सेविंग ग्रेस, कहीं कुछ नजर आता नहीं है। तो हम देखेंगे कि बच्चा, बच्चे की पैदाइश जो है वो किस, बच्चे की जब पैदाइश हुई थी तो कौन सा जो है, क्या दशा भुक्ति अंतरा क्या चल रहा था? तो देखिए दशा भुक्ति अंतरा यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है, लेकिन दशा भुक्ति अंतरा, बच्चे की पैदाइश हुई थी चंद्र में, बुध में, शनि में पैदाइश हुई थी, चंद्रमा। अब हम चंद्रमा को देखते हैं, चंद्रमा, चंद्रमा कहाँ है? देखिए चंद्रमा अगेन कहाँ है, महादशा लॉर्ड जो है, दशा, दशा स्वामी चंद्रमा, देखिए ये सप्तम भाव में, ठीक है? सप्तम भाव में है चंद्रमा, और चंद्रमा के, चंद्रमा के
नक्षत्र में कोई ग्रह बैठा है क्या? हाँ बैठा है, लेकिन कौन बैठा है? चंद्रमा खुद बैठे हैं। तो चंद्रमा इज अ फुल सिग्निफिकेटर ऑफ द मारक सेवेंथ हाउस, ठीक है। तो अब इसमें क्या कह सकते हैं, मारक सेवेंथ हाउस, चंद्रमा फुल सिग्निफिकेटर है, महादशा स्वामी है, और चंद्रमा, फिर चंद्रमा जो है स्वामी किसका है, चंद्रमा इज द लॉर्ड ऑफ द सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस ये देखिए, ये सिक्स्थ हाउस, ये कर्क लग्न, कर्क राशि, सॉरी कर्क राशि, ये यहाँ के स्वामी चंद्रमा है जो कि महादशा स्वामी है। सिक्स्थ हाउस जैसा हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, आयु आयु के लिए छठा भाव अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि वो रोग देता है। और ये जन्म पत्री हमें हमारे मित्र ने इसलिए दी थी कि वो जब बच्चा पैदा हुआ था तो उसको कुछ हेल्थ के इश्यूज आ रहे थे, डॉक्टर ने कहा था इसकी विशेष देख रेख करने के लिए। तो चंद्रमा अब हमने देख लिया, महादशा स्वामी चंद्रमा भी जो है ये मार्केशी है। और भुक्ति थी बुद्ध की, बुद्ध एज सब लॉर्ड ऑफ द असेंडेंट, सब लॉर्ड ऑफ द लग्न के उप नक्षत्र के रूप में हम उसको डिस्कस कर चुके हैं, फर्दर डिस्कशन की कोई आवश्यकता नहीं है। भुक्ति स्वामी थे शनि, शनि कहाँ पर बैठे हैं, देखिए ये शनि जो है ये बैठे कहाँ हैं, शनि किस भाव में बैठे हुए हैं, शनि शनि बैठे तो हैं लग्न में, लेकिन शनि किसके साथ बैठे हैं, शनि बैठे हैं केतु के साथ, 2 डिग्री के फासले पर शनि बैठे हैं केतु के साथ। तो शनि किसका फल देंगे, शनि केतु का फल देंगे, केतु हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो कहीं भी किसी प्रकार का मतलब आप समझ जाओगे, बच बचाओ बच रख बका बचने का बच्चे का कहीं भी कोई स्कोप जो है नजर नहीं आ रहा था। एंड इंसिडेंटली सैटर्न शनि जो है 12th भाव के स्वामी भी हैं, है ना, तो 12th भाव के स्वामी में 12th भाव भी जो है वो मारक भाव ही एक तरह से माना जाता है। तो कहीं से भी कोई गुंजाइश नहीं थी। बच्चे का देहांत जो है, बच्चे का देहांत 10 फरवरी 1997 को हो गया। मुश्किल से बच्चे बच्चे की जिंदगी को 2 महीने की जिंदगी मिली थी। जब बच्चे का देहांत हुआ उस समय दशा भुक्ति क्या चल रही थी, महादशा स्वामी चंद्रमा में केतु की भुक केतु की के, केतु का अंतरा और केतु की ही भुक्ति चल रही थी। चंद्रमा का डिस्कशन हमने कर लिया, केतु का डिस्कशन हमने कर लिया, केतु की चर्चा हमने कर ली। तो कहाँ से गुंजाइश थी बच्चा बच पाता। बच्चे का देहांत हो गया, ये बहुत दुखद एक हादसा था, लेकिन जब मुझे कुंडली दी गई थी तभी मैंने देखा कि इसकी जिंदगी तो बहुत लंबी नहीं लगती है। लेकिन और मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत सारे सिद्धांत जो है ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी में आयु निर्णय के आपको मिलेंगे, लेकिन हमने अपने तजुर्बे से पाया कि कृष्णमूर्ति पद्धति में जो ये सिद्धांत है ये सबसे खरा उतरता है आयु निर्णय में। और इसको हमने पॉलिटिकल एंगल में भी लगा करके, जैसा पहला वीडियो में हमने डिस्कस कराया था, ये हमने जो है राजनीति में भी सरकारों की जो सरकारें बनती हैं उनकी आयु जज करने के लिए भी, उनके स्वेयरिंग इन सेरेमनी के टाइम को टाइम ऑफ बर्थ मानते हुए भी आजमा करके देखा है, वहां पर भी ये बिल्कुल खरा उतरता है। उस पर मैं कोई नया वीडियो डिस्कस करूंगा। आपको वीडियो पसंद आया होगा आशा करता हूँ। और एक हमारे तरफ से छोटी सी अपने एस्ट्रोलॉजर जो ज्योतिषी भाइयों के लिए राय है, वैसे तो आप सब जो लोग जानते हैं जानते ही होंगे, इसमें कोई वैसे कोई खास इसमें कहने वाली बात है नहीं। किसी भी नवजात शिशु की आपके पास जब कुंडली आती है, किसी परिवार में जब बच्चा पैदा होता है तो अमूमन लोग कुंडली बनवाने आते हैं, और फिर जब कुंडली हम बना देते हैं तो वो कहते हैं जरा सॉरी इसका भविष्य बताइए। तो मैं छोटी सी राय यहाँ पर ये रखना चाहता हूँ कि किसी भी बच्चे का भविष्य या के देखने या लिखने के पहले कृपया उसकी जो है ना आयु लॉन्गविटी की जांच कर लें, क्योंकि भविष्य तो हम तभी देखेंगे जब बच्चे को अच्छी आयु
अच्छी आयु कुंडली द्वारा जो है ईश्वर द्वारा प्रदान की गई है, ग्रहों द्वारा प्रदान की गई है। अगर आयु है ही नहीं तो फिर आगे भविष्य उसका देख करके बता करके कोई फायदा नहीं। दूसरी बात यह कि टाइम ऑफ बर्थ प्लीज, जैसा हमने पिछले वीडियो में बोला था, जब तक टाइम ऑफ बर्थ आपको ठीक से बिल्कुल नहीं, आप श्योर नहीं है कि टाइम ऑफ बर्थ ठीक से नोट किया गया है, कृपया जो है लॉन्गविटी आयु जजमेंट करने की कोशिश मत करें, है ना, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मैटर होता है। और अगर आप इसको जज करते भी हैं टाइम ऑफ बर्थ बारे श्योर हैं, तो जो कुंडली लेकर के आया है बहुत टैक्टफुली उसका जवाब दें। टाइम ऑफ बर्थ अगर करेक्ट है कृष्णमूर्ति पद्धति में, तो मैं डंके की चोट पर कहता हूँ कि जैसा ये प्रिडिक्शन हमने करके बता दिया था, इनडायरेक्टली बता दिया था कि ये बच्चे की जिंदगी ज्यादा नहीं है, तो मैं डंके की चोट पर कहता हूँ आपका जो है 100% जो है प्रिडिक्शन आपका करेक्ट आएगा। टाइम ऑफ बर्थ इज ऑफ एसेंस। इस केस में चूंकि ये हमारे मित्र के लड़के की कुंडली थी, तो हमने बर्थ होने के बच्चे के जन्म के पहले उनको क्या वक्त वो मैंने कहा हुआ था कि देखो भाई टाइम ऑफ बर्थ जो है बहुत अच्छे तरीके से नोट करना है ना, तो वो मैं 2 द सेकंड करेक्ट टाइम ऑफ बर्थ नोट करके उन्होंने रखा था। आशा करता हूँ कि मैं साफ सफाई क्लियरली एक्सप्लेन कर पाया कि कैसे हम कृष्णमूर्ति पद्धति में आयु निर्णय लॉन्गेविटी जज करते हैं। आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि वीडियो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में साथ में जो बेल आइकॉन आता है उसको दबाएं, जिसमें कि जब जैसे जैसे मैं वीडियो रिलीज करूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। चलिए आपसे फिर बहुत जल्द मुलाकात होगा होगी किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।